नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित मौर्य और दोस्तों आज मैं आपको YouTube के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वीडियो को सही तरीके से YouTube पर कैसे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों कई सारे नए यूट्यूबर बन रहे हैं जिसको अभी तक यही नहीं पता कि यूट्यूब पर सही तरीके से वीडियो कैसे अपलोड की जाती है। दोस्तों अगर आप वीडियो को सही तरीके से अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो वायरल होगी, आपकी वीडियो पर व्यूज़ आएंगे और आपके चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग है वो हो पाएगी। तो दोस्तों YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलो दोस्तों बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो को सही तरीके से अपलोड करने के लिए आपको अपने सिंपली यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और दोस्तों यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है वो आ जाएगा, आपके यूट्यूब आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर बीच में प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और अब यहाँ से आपको अपलोड ए वीडियो पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ से आपको वो वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जो आपको अपलोड करनी है। तो दोस्तों मैं जल्दी से उस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मुझे ये वाली वीडियो अपनी अपलोड करनी है तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो जिस आप सब यहाँ पर क्रिएट ए टाइटल, दोस्तों आपको टाइटल वो लगाना है जो आपकी वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ कि आप वीडियो को यूट्यूब पर वीडियो को सही तरीके से कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो इसका टाइटल होगा हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब। दोस्तों आपको भी ऐसे करके जो टाइटल है वो लगाने हैं। तो चलो दोस्तों मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। दोस्तों आपका यहाँ पर टाइटल है वो आपने लिख लिया। तो दोस्तों टाइटल लिखने के बाद आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिखना है जो आपने अपने पूरी वीडियो में बता रखा हो, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अबाउट वीडियो ऐसा लिख के आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको हेडिंग बना लेनी है। फिर आपको अपनी वीडियो में जो कुछ भी आपने बताया वो यहाँ पर लिख देना है और आपकी वीडियो से जुड़े सभी टैग्स, सभी हैशटैग यहाँ पर आपको लगा देनी है। और ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर पब्लिक मिलेगी आपकी वीडियो, लेकिन आपको यहाँ पर अनलिस्टेड आपकी वीडियो को कर लेना है। अनलिस्टेड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट ऑडियंस। दोस्तों अगर आप मेड फॉर कैड्स के लिए मतलब कि आप बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों अगर आप बच्चों के लिए वीडियो नहीं बनाते, आप बड़ों के लिए वीडियो बनाते हैं तो आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर नो सिलेक्ट कर लेना है। और ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर लोकेशन मिलती है, अगर आप यहाँ पर लोकेशन देना चाहते हैं अपने तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से आप अपने जो भी प्लेलिस्ट है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों फिर यहाँ पर आपकी वीडियो है जो अपलोडिंग पर के लिए स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों आपकी वीडियो अपलोडिंग के लिए स्टार्ट है वो हो गई है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको अपनी वीडियो को अपलोडिंग के लिए लगा देना है। तो दोस्तों ऐसा करने के बाद अब आपको कुछ सिंपली बैक चले जाना है और अब आपको यहाँ पर सिंपली अपने वाइट स्टूडियो को यहाँ से ओपन कर लेना है। तो दोस्तों मैं अपने वाइट स्टूडियो को यहाँ से ओपन है वो कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना वाइट स्टूडियो वो ओपन कर लिया है। और वाइट स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है वो आ जाएगा, आपका वाइट स्टूडियो है वो। तो दोस्तों यहाँ पर आपका वाइट स्टूडियो है वो ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पर वो वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जिसको आपको यहाँ पर एडिट करना है। तो चलो दोस्तों मैं उसको यहाँ पर उस वीडियो को यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये वाली वो वीडियो है जिसको मैंने यहाँ पर एडिट करना है, जो मैंने यहाँ पर अपलोड के लिए लगाई है। तो इस वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। और ऐसा करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कि टैग्स, आपकी वीडियो से रिलेटेड जो भी टैग्स हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी वीडियो का टाइटल मैंने लिखा कि हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, तो इसके टाइटल में लेंगे कि
YouTube पर वीडियो कैसे अपलोड करें, YouTube पर वीडियो अपलोड करने का तरीका, YouTube पर अपलोड कैसे वीडियो कैसे अपलोड की जाती है, तो ऐसे ऐसे टैग्स आपको टैग में लगाने चाहिए। और दोस्तों आपको यहाँ पर कैटेगरी है वो कोई भी आप यहाँ पर सिलेक्ट हैं वो कर सकते हैं कैटेगरी। और दोस्तों यहाँ पर आपको कमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप कौन से कमेंट है वो दिखाना चाहते हैं, कौन से बंद करना चाहते हैं। और आप यहाँ पर ये भी दिखाना, अगर आप अपनी वीडियो की लाइक्स को दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक का निशान पर क्लिक रहने दें, और अगर आप ये नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको बंद कर दें। तो दोस्तों और आप यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके अपनी वीडियो के लिए कोई भी थंबनेल है वो लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला थंबनेल है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिंपली डन पर क्लिक किया और सेव पर क्लिक कर दिया। और दोस्तों अब आपकी ये वीडियो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, और अब आपको सिंपली इसको अपलोड होने के बाद, अगर आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है तो आपको सिंपली इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है, और इसको अनलिस्टेड से आपको यहाँ पर पब्लिक पर क्लिक करके इसको सेव है वो कर देना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी सेव पब्लिक है वो हो जाएगी। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो।